हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 और आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को लेकर हर बार हमने कोचिंग में देखा है कि बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या है एंगल ऑफ डिप, क्या है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में क्या डिफरेंस है, मैग्नेटिक मरीडियन ज्योग्राफिकल मरीडियन, और इवन ये अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कैसे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आज आंसर हो जाएंगे। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखो, सारी थ्योरीज बताएंगे, कहानियां बताएंगे, सारी आपको ये टर्म समझाएंगे, डेक्लिनेशन डिप वगैरह, और न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल लो। निकालो भाई, बैठे क्यों हो? हाँ, तुम भी निकालो, आलसी की तरह बैठे हैं, देख रहे हैं। कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना है, थ्योरी वाला लेक्चर है। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। www.physicswalaalakhpandey.com इस वेबसाइट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी है और धीमे धीमे अपलोड भी हो रहा है। तो वेबसाइट के इतने प्रमोशन के बाद शुरू करते हैं लेक्चर। चूहे को छोड़ दो जिसको तुम खा रहे हो, छोड़ो उस चूहे को, भाई बहन से बात करना बंद करो, है ना। मोबाइल में जितने भी ऐप चल रहे हैं उनको भी बंद करो। आओ आओ, हम आज पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो कैसे पता लगा कि अर्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है? तो ये कहानी है बहुत पुरानी, ये कहानी है बहुत पुरानी, 600 BC की। ग्रीस में एक आइलैंड था, ग्रीस में एक आइलैंड था। मैं नहीं बना रहा कहानी, एनसीईआरटी बताइए सर, अपने आप कहानी पढ़ा रहे हो। ग्रीस में एक आइलैंड था, ऐसा आइलैंड है, डिंग 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 डिंग, ना ना वो सब है। वहां पे कुछ शेफर्ड्स थे, ठीक है, शेफर्ड समझते हैं, हाँ वो गाय भैंस चराने वाले, अरे हाँ वही भेड़ चराने वाले वाले, ठीक है। तो वो शेफर्ड्स थे, तो वो भेड़ बकरी चराने जा रहे थे, ठीक है, उनकी जिंदगी में मत फंस जाओ। तो क्या हुआ कि उनके जो शूज थे वो कई बार जमीन से चिपकने लगे, अर्थ से चिपकने लगे, ठीक है। तो जो उनके शूज थे, उनके जो शूज थे जो कि वुडन के बने थे, जबकि है ना लकड़ी के थे, तब भी वो जमीन से चिपकने लगे। तो उस टाइम पे शूज वगैरह मतलब ऐसे गम वम तो था नहीं, है ना, जूते वूते कील वील ठोक के बनाए जाते थे। तो वुडन के शूज थे पर उनमें आयरन नेल्स थे, ठीक है, जिनकी वजह से डेफिनेटली वो अर्थ से स्टक करने लगे। तो देखा गया कि क्या कर रहे थे, वो अर्थ के सरफेस से स्टक करने लगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। पूरी अंग्रेजी में लाइन नहीं लिखी, कहानी समझाइए, ठीक है, कि 600 BC में ग्रीस में आइलैंड था, ठीक है। उस आइलैंड का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस आइलैंड का नाम था मैग्नीसिया, 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 आयरन की ओर हो गई अब तो मैग्नीसिया, वहीं से नाम भी आया आयरन की ओर का। तो मैग्नीसिया आइलैंड में क्या हुआ कि ये भेड़ बकरी चराने वालों के जूते जमीन से चिपकने लगे। इसको बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना, ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि उनमें नेल्स था। तो समझ में आया कि अर्थ में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद यार ये डिस्कवरी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और आज के टाइम में आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी मैग्नेटिक नीडल है या कोई भी आपके पास बार मैग्नेट है और उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, है ना, ऐसे धागे से ऐसे टांग दो, तो जहां छोड़ोगे वहां नहीं रुकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करेगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, यानी उस मैग्नेट को कोई अलाइन कर रहा है। कौन अलाइन कर रहा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा बहुत क्लैरिटी होने लगेगी, पर ये लाइन तो आपने पढ़ी ही होगी, हो ही नहीं सकता 12th में आ गए ये लाइन पढ़े बिना। व्हेन अ बार मैग्नेट, अब इसकी जगह आप मैग्नेटिक नीडल भी सोच सकते हो, इज फ्रीली सस्पेंडेड, इज फ्रीली सस्पेंडेड, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट, बोलो इन, बोलो भाई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पढ़ा ये ना? अगर आप बार मैग्नेट से लटका दो तो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। जो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, कुछ कुछ अभी आगे समझ में आएगा। हाँ, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन होने लगता है, पूरी अर्थ पे कहीं पे भी ये काम करने। तो इस तरह के कई एविडेंसेस मिले जिससे हम ये तो श्योर हो गए कि अर्थ में भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड
जिसकी वजह से ये फिनोमेना हो रहा है। फिर डिस्कवरीज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और हमें पता चला कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं है, चाहे वैल्यू वाइज बात करो चाहे डायरेक्शन वाइज बात करो वो चेंज होती रहती है। तो हमने देखा द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो अंग्रेजी से लिख रहे हैं ना, यूके से पढ़ के आएंगे जी हम, उत्तराखंड। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी जो वैल्यू है बहुत छोटी है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली, जगह जगह अलग अलग है तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहे हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट, ऐसे लिख लो हाँ, 0.1 to 0.5 गॉस। अब गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, सच दैट यहां पे नोट करें इंपॉर्टेंट, 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला। इस पूरे में से सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट थी, 1 गॉस इज 10^-4 टेसला। टेस्ला क्या होती है, SI यूनिट होती है ना, तस्ला नहीं टेस्ला है ना, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखो तो 10^-4 और 0.1 लिखा है, यानी कितना हो गया, करीब करीब 10^-5 टेस्ला। तो ये अर्थ की अप्रोक्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, बहुत छोटी आ रही है, 10^-5 टेस्ला है ना, -4 से -5 के बीच में, ठीक है ना, 0.5 लगा है, 0.1 लगा है, ये ऑलरेडी 10^-4 पॉइंट लगे 10^-5। इसमें से जो नोट करना हो नोट कर लो, यहां से कोई सवाल नहीं आने वाला। तो अभी तक ये समझ में आया कि हाँ अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जगह जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग वैल्यू लेती है, और उसकी जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 10^-5 टेस्ला के अराउंड है, और उसको जनरली हम गॉस में मेजर करते हैं, फेमस यूनिट गॉस है उसके लिए। क्लियर है, आगे बढ़े, नोट कर दे, नोट कर लिया, मिटा दे इसको, अरे मिटा दे, अरे बोलो मिटा दे, ओके क्या हुआ, बोर हो रहा है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत 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 मजा आएगा, इतना मजा तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, अभी आगे देखो बहुत मजा आने वाला है, मिटा सर आप हर लेक्चर में यही बोलते हो, फिर बोरिंग बोरिंग पढ़ाते हो, चलो आगे देखते हैं और क्या हुआ फिर। तुम हो तो दाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहां, तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहां। ये गाना सिर्फ फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, तो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो हमें समझ में आया कि ठीक है अर्थ में कुछ मैग्नेटिज्म है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है। फिर बात आती है कि ये मैग्नेटिज्म अर्थ में है क्यों, मतलब अब जो टॉपिक आया वो आया ओरिजिन, ये अर्थ की मैग्नेटिज्म आ कहां से रही है ना। तो इसके पहले जो सबसे पहले थ्योरी बताई गई वो कहा गया ऐसा हुआ होगा कि अर्थ के अंदर एक लंबा सा बाहर मैग्नेट गड़ा होगा, है ना, मतलब पहली थ्योरी आई कि देयर इज सम वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट डीप इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर एक बहुत ही लंबा बार मैग्नेट गड़ा होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, है ना, ऐसा सोचा गया, ऐसा अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट गड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाया सब धीमे धीमे समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब चीज का रीजन है, ऐसे सोचा गया, अभी बना लो ऐसा सोचा गया कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट गड़ा हुआ है, कि अर्थ की हम खुदाई करें यहां से आज तो 1-2 साल बाद हमको नीचे जाके एक मैग्नेट मिल जाएगा, बढ़िया एकदम मस्त सा। फिर ये थ्योरी फेल कर गई है ना, कहीं से भी कंसिस्टेंट नहीं थी, कुछ इसमें प्रूफ नहीं मिल रहे थे इसके, और एक बड़ा ही कॉन्ट्रेडिक्टरी एक प्रूफ मिला जो इसको गलत प्रूफ करता था, वो ये था कि द टेम्परेचर इन साइड अर्थ, लिख दें अरे थोड़ा सा, द टेम्परेचर इन साइड अर्थ इज वेरी हाई, बहुत हाई टेम्परेचर था, और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। मैग्नेटिज्म दो चीजों से आती है बच्चों, अभी तक तुमने ये पढ़ा, एक तो सीधा सीधा बार मैग्नेट ले लो यानी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लो, और दूसरा तरीका होता है करंट से। तो ये तो बार मैग्नेट से बोल रहे हैं किसी चीज से, तो कोई भी मटेरियल इतने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये आगे आप पढ़ोगे, क्योंकि ये टेम्परेचर ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन,
दिस इज मच ग्रेटर देन अर्थ के कोर का टेम्परेचर, मच ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर होता है. करी नहीं है, राइस करी खा लिया है, क्यूरी टेम्परेचर. इस टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है. अब इस टेम्परेचर से बहुत ऊपर जाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाएगी. तो हाँ, अर्थ के अंदर आप सबको पता है कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है कोर में जाते जाते, और उस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी मटीरियल की. करंट वाली हो सकती है, मटीरियल वाली मैग्नेटिज्म यहाँ पे शो नहीं हो सकती भैया, है ना. कोई मटीरियल, पता है मैग्नेट कब बनता है, जब उसके अंदर के सारे डाइपोल एक लाइन में अलाइन हो, एक डायरेक्शन में लग जाए, है ना. मटीरियल के अंदर छोटे 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 डाइपोल्स होते हैं. आगे पढ़ोगे ये चीजें अभी, मैग्नेटिज्म इन मैटर करके आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का, सब एक लाइन में लग जाए. अब भाई इतने हाई टेम्परेचर में झुमझुम झुमझुम झुमझुम, तो इस मटीरियल के अंदर जितने छोटे छोटे डाइपोल थे इतने हाई टेम्परेचर पे वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लग जाएंगे, और कोई फिक्स्ड मैग्नेटिक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त नहीं होगी. हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर के जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल मतलब इसके अंदर के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होगा और किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं लग पाए. बहुत हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं करती. आपके पास बार मैग्नेट हो उसको गर्म कर दो, खूब गर्म कर दो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी. तो ये थ्योरी फेल कर रही है, दिस थ्योरी फेल. तो हमने बोला यार मैग्नेटिज्म दो चीजों की वजह से हो सकता है, या तो मटेरियल ही हो कोई, है ना, बार मैग्नेट जैसा कोई मटेरियल हो, आयरन वगैरह हो, निकल वगैरह हो, या दूसरी बात ये है कि आपके पास करंट हो. तो अब जो अगली लॉजिक आई जो इस टाइम काफी हद तक एक्सेप्टेड है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज द एरिया ऑफ रिसर्च. मैं पहले ही बता दूं, द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज एन एरिया ऑफ रिसर्च. इसके ऊपर अभी नोबेल प्राइज मिल सकते हैं लोगों को, अभी ये पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ है. यू कैन एम इट, ये अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर, किसी को नहीं पता चला एक्चुअल क्या रीजन है. बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो ये है, वो ये कहते हैं कि अर्थ के अंदर मोल्टेन फ्लूइड्स हैं, द मेटालिक मोल्टेन फ्लूइड इनसाइड अर्थ. भाई अर्थ के कोर में बहुत ऐसा है, आपको पता है कि मेटल्स हैं, और मेटल किस फॉर्म में होंगे, पिघल गए होंगे इतने हाई टेम्परेचर पे, तो किस फॉर्म में होंगे, मोल्टेन फ्लूइड है, मेटालिक, है ना, लाइक आयरन निकल, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं. तो इस तरह के वहां पे कुछ मेटल्स हमको मिले जो कि मोल्टेन फॉर्म में थे, और आपको पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेट्स विथ अर्थ. अच्छा, अब कहानी सुनो, इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो मोल्टेन आयरन है या मोल्टेन निकल है, इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, इनके एटम्स को आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई. अब आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुचुक से कूद कर एटम से बाहर चला जाएगा. अब भाई हाई टेम्परेचर है, बढ़िया एनर्जी मिल रही है, तो मान लो ये अर्थ है, इसके अंदर मोल्टेन फ्लूइड्स है जो कि गोल गोल घूम रहा था, और इस फ्लूइड्स में आयरन के एटम्स थे, उन आयरन के एटम्स को इतने हाई टेम्परेचर पे बढ़िया एनर्जी मिल रही, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, आयनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया तो ये कैटायंस बन गए. यानी अब जो चीज झुमझुम झुमझुम घूम रही है वो कैटायंस है, यानी न्यूट्रल एटम गोल गोल नहीं घूम रहे, रोटेट्स विद अर्थ एट हाई टेम्परेचर. दी atoms of these metal gets ionized is spelling kya hogi, ionized and ions are now rotating. तो अब क्या चीज घूम रही है, अब आयंस घूम रही है, बात समझ में आ गई, इतने हाई टेम्परेचर में एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये आयंस बन गए, और अब ये आयंस चक्कर घूम रहे हैं. यार अगर कहीं पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है तो क्या उसको हम करंट बोल सकते हैं, व्हाट इज करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में जब अर्थ रोटेट कर रही, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अर्थ रोटेट कर रही तो इसके अंदर आयंस रोटेट कर रहे,
अब जब ऐसे आयंस रोटेट करेंगे तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे, तो करंट हो गया ना, करंट कैरिंग कॉइल की कहानी लिखने लगी। देखो पॉजिटिव आयंस भी थे, नेगेटिव आयंस भी थे, सब कहानी इतनी डीप में नहीं जाना, हमें समझना है कि हाँ करंट कैरिंग कॉइल बन गया। क्या बन गया? करंट कैरिंग कॉइल बन गया। और आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कहा गया ये करंट कैरिंग कॉइल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। बोले ऐसी बनेगी, पता है ना करंट कैरिंग कॉइल क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे थंब रख के इसे, यहां पे थंब रख के इसे, या तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ ऐसे। अब पॉजिटिव आयन घूम रहे हैं, नेगेटिव घूम रहे हैं, इन पे भी बड़ी बहस है कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, बट ओवरऑल ये थ्योरी काफी हद तक एक्सेप्ट की है। उसके पीछे और भी रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि कहानी लिखती, इसके पीछे कुछ रीजन सुनो बड़े अच्छे अच्छे। रीजन नंबर वन ये है कि जो मून है, मून के पास देर आर नो मेटेलिक फ्लूइड्स, मून के पास कोई मेटेलिक फ्लूइड्स नहीं है, और देखा गया कि मून के पास देर इज नो मैग्नेटिक। बोलो सही बात है, मैटेलिक फ्लूइड नहीं थे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मतलब यहां करंट नहीं बन रहा था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी। और भी कुछ कहानी है, जैसे देखा गया कि जो हमारे पास वीनस है उसका रोटेशन स्लो है, अर्थ की कंपैरिजन में उसका रोटेशन इतना तेज नहीं है, स्लो है, स्लो रोटेशन होगा तो करंट भी कम होगा। भाई करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब रोटेशन ही धीमा होगा तो चार्ज धीमे धीमे घूमेगा तो करंट भी कम होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और ऐसा देखा गया कि वीनस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। एक और कहानी इसमें बताते हैं एनसीईआरटी की, जुपिटर बहुत तेज घूमता है, जुपिटर रोटेट्स वेरी फास्ट। अब बताओ तेज अगर घूमेगा तो क्या होगा? चार्ज तेज घूमेंगे तो करंट ज्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। और ऐसा देखा गया कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है, वीनस की वीक है क्योंकि रोटेशन से, और मून पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लूइड मेटालिक फ्लूइड नहीं है। तो इस रीजन को आज के समय में काफी हद तक सही माना जाता है, पर इस पे भी अभी रिसर्चेस चल रही है। इसके ऊपर एक रिसर्च मैंने एक बार देखी थी, अब टाइम हो गया 3-4 साल हो गया, कि कहीं पे इसके लिए एक अर्थ जैसा मॉडल बनाया गया है, उसके अंदर मोल्टन फ्लूइड डाले हैं और उसको रोटेट करके छोड़ा गया है, बट बोला गया उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आने में भी अभी सालों लगेंगे, क्योंकि अर्थ की जैसी इंक्लिनेशन है, अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है, वो जो अर्थ बनाई है उन्होंने आर्टिफिशियल, वो एग्जैक्टली अर्थ को कॉपी करने में भी टाइम लेगा, उस अरेंजमेंट में आने में टाइम लेगा, तब जाके प्रूव हो पाएगा कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं। खैर बात है ये सब। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इट इज ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉइल है, इसमें ऐसे करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बताओ, बता सकते हो? ये मान लो ये कॉइल है, ऐसे करंट है, बताओ फिंगर्स को कल करो करंट डायरेक्शन में, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ कुछ ऐसी पाई गई, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ओरिजिन। अब आते हैं टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा लें। ओ राम जी बड़ा दुख दियो, ओ राम जी बड़ा दुख दियो। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, समझ समझ के चलोगे बहुत मजा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, अब देखो एविडेंस तो असल तो एविडेंस यही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अब जैसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगे एक्सपेरिमेंटली, वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम करेंगे भाई, एक्सपेरिमेंटली जो दिखा ये हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। हम मैग्नेटिक नीडल लेंगे और अर्थ के सरफेस पे उसको जगह जगह रखेंगे। मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अलाइन होता है। ये मैग्नेटिक नीडल है मान लो, ठीक है, ये मान लो इसका नॉर्थ, ये साउथ, तो कहीं पे भी रखोगे तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो हमने अर्थ के सरफेस से डिफरेंट डिफरेंट जगह
मैग्नेटिक नीडल रखी और देखा नॉर्थ पोल किधर जा रहा और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, हमने क्या किया कि अर्थ के सरफेस पे जगह जगह मैग्नेटिक नीडल रखी और देखा नॉर्थ किधर पॉइंट कर रहा और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई जो कि कुछ ऐसी बनी, ध्यान दीजिएगा, जो कि कुछ ऐसी बन के सामने आई। कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन के सामने आई। बच्चे रटने लगते हैं टॉपिक, इसीलिए खराब हो जाता है और टीचर स्किप करते हैं। है आसान, बस सही में धीमे इसको समझना है। कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की बनकर सामने आई। ठीक है, इस तरफ भी और लाइंस बना सकते हो आप, ठीक, इस तरफ कमजोर नहीं। तो यार इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर क्या फील हुआ ये समझो। अभी फिर से बनाएंगे, अभी उसका डायग्राम अभी एक दो बार और आएगा, पहले समझो कि क्या हमने सोचा। हमने सोचा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ resembles that of a bar magnet, या बोल दो type of a magnetic dipole। ये magnetic field line resemble कर रही थी magnetic dipole जैसी। तो हमने कहा मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक imaginary, एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डाइपोल है, इमेजिनरी है नहीं असल में, मान लेते हैं। असल में तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, असल में तो यहां पर करंट कैरिंग कॉइल है, वो आयंस घूम रहे हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है। बट जो दिख रहा है उससे हमें लगा कि एक इमेजिनरी, अगर मैग्नेटिक बार, एक बार मैग्नेटिक डाइपोल मान ले उसमें कोई बुराई नहीं, तो ठीक है हमने मान लिया। ध्यान से देखना कैसे बना रहे, ध्यान देना ये इमेजिनरी है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब बार मैग्नेट के कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ से निकली और कहां को जाती है, साउथ पोल में। देखो ठीक, नॉर्थ से निकली और कहां गई, साउथ। ठीक है, छोटा सा बनाओ, पूरा ऐसे नहीं कि बड़ा बना दिया, छोटा सा। समझ में आ रहा अभी तक, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी कुछ हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और कुछ नहीं बताया, अभी इतना सुनो। फिर हमने क्या कहा सुनना, द मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल एट टू पॉइंट्स। दो जगह पे मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गई, कहां कहां पे होगी, एक यहां पे होगी, एक यहां। भाई यहां नीडल रखोगे तो नीडल का नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट करेगा, साउथ ऊपर, और यहां पे रखोगे तो भी वर्टिकल होगी, यहां पे नीडल का साउथ पोल ऊपर पॉइंट करेगा, नॉर्थ नीचे। भाई नीडल का नॉर्थ पोल हमेशा किसके साथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, तो यहां रखा तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, यहां रखा तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान से कंसेप्चुअल बात है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ में होता है, तो यहां पे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, तो नॉर्थ पोल इधर, यहां पे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, नॉर्थ पोल इधर। अब थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि अंदर साउथ है तो नॉर्थ इधर, अंदर नॉर्थ है तो साउथ इधर। अब सुनना ध्यान से एकदम, इसी में गलती होती है। द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जहां पे नॉर्थ पोल ऑफ नीडल वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट किया उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कहां है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बताओ, ये द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। लिखो नॉर्थ सीकिंग पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी इस जगह को बोला गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आई विल डिनोटेड बाई
NM मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, NM मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. सिमिलरली समझ गए ना, द प्लेस वेयर साउथ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल. डिनोट करेंगे एस एम से. कहां पे बताओ? यहां, जहां पे मैग्नेटिक नीडल की साउथ पोल ग्राउंड की तरफ पॉइंट किया उसको बोला मैग्नेटिक साउथ पोल. नाम दे देंगे एसएम, मैग्नेटिक साउथ, साउथ मैग्नेटिक पोल ऐसे भी बोलते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. बोलो बात समझ में आई? कुछ कुछ हमने डिडिल लिया, नीडिल लेके पूरे अर्थ का चक्कर लगाया, हमने कहा यहां पे नीडिल एक सीधा वर्टिकली नीचे, नीचे कौन सा पोल है? नॉर्थ. हमने कहा नॉर्थ नीचे है तो इसका नाम पड़ जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. फिर लेके चल लेके चल ले, अरे नीचे थोड़ी ना है, कोई बंदा यहां खड़ा होगा तो ऐसे समझ रहे हो ना, फिजिक्स तो पढ़े हो, बंदा ऐसे खड़ा होगा ना, उसका मुंह ऐसे होगा, तो उसके लिए तो ये डाउनवर्ड हो गया ना. अरे ऊपर नीचे थोड़ी ना स्पेस में, ये अंटार्कटिका है, दिस इज अंटार्कटिका, दिस इज नॉर्थ कैनेडा. तो अंटार्कटिका में कोई बंदा खड़ा है ऐसे करके तो उसकी नीडल नीचे पॉइंट की, पर कौन सा पोल? साउथ. तो हमने बोला मैग्नेटिक साउथ पोल. बी वेरी वेरी डेफिनेट अबाउट दिस. अंदर वाले पोल्स इमेजिनरी बनाए हैं, ऐसा कोई डायपोल होता नहीं, इमेजिनरी, बट ये रियल है. हमने इन लाइंस को ज्वाइन किया और हमने एक चीज पाई कि ये अर्थ की रोटेशन एक्सिस से टिल्टेड है, ये अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल से टिल्टेड है. जब ने अर्थ की रोटेशनल एक्सिस देखनी चाहिए तो वो ऐसी दिखी. इसको हमने बोला ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको हमने बोला ज्योग्राफिकल साउथ पोल, एसजी एनजी, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसको मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक. हमने देखा कि ये जो डाइपोल की एक्सिस है वो थोड़ी सी इंक्लाइन है, बार मैग्नेट स्लाइटली, यहां लिखे इंक्लाइन विथ रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस से थोड़ा सा इंक्लाइन, और इस टाइम जो इसका एंगल है वो है 11.3 डिग्री. अब इस टाइम क्यों बोला? क्योंकि ये एंगल समय समय पे बदलता है, मतलब जब तक आप एग्जाम लिखोगे तब तक नहीं बदलेगा, 10,000 सालों में है ना, मिलियन ईयर्स में, 10,00,000 सालों में ये बदल जाता है. ठीक है, ये एंगल थोड़ा थोड़ा 0.5 डिग्री, 0.3 डिग्री. और ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय अर्थ के पोल्स स्विच भी होंगे, और ऐसा कहा गया है कि पास्ट में भी ये स्विच हुए हैं. शिव वर्मा ने एक बात बताई है कि पास्ट में ये पोलैरिटी स्विच भी हुई है, मतलब आज जो नॉर्थ था कल वो साउथ भी था. ठीक है, तो इसके पीछे डिस्कवरीज चल रही है, मतलब अब आज के समय पे हम लोग की जो जनरेशन उसमें एंगल 11.3 ही पढ़ना है आपको, 11.3 किसी बुक में 11.5 है, एनसीआरटी में 11.3 लिख दिया है. ठीक है, ये चीज समझ में आती है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है. और जो हमने मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ की देखी वो थोड़ी सी इंक्लाइंड आई 11.3 डिग्री पे. जहां पे मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ नीचे पॉइंट किया उसको मैग्नेटिक नॉर्थ, जहां पे साउथ पॉइंट किया उसको मैग्नेटिक साउथ. इस डायग्राम को मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, बनाओ इसको बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैं फिर से बनाऊंगा. पॉज करके जो नोट करना हो नोट कर, अंदर वाला जो डाइपोल है वो इमेजिनरी है, किताबों में जल्दी वो देखने को नहीं मिलता है. तारा रारा दारा रारा रम पम रे, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करो, मिटाने जा रहे 1 2 3 4 5. अब देखो मैं फिर से डायग्राम एक बार बना देता हूं, अच्छे से नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे. ये अर्थ की रोटेशनल एक्सिस, ऊपर से देखने में अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए दिखती है नॉर्थ पोल से, और नीचे से साउथ पोल से देखो तो क्लॉकवाइज दिखती है. इसको हमने बोला एन जी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको बोला एस जी ज्योग्राफिकल साउथ पोल. ये मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ थोड़ी सी इंक्लाइंड है 11.3 डिग्री पे इंक्लाइंड. यहां पर हमने बोला नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यहां पर बोला साउथ मैग्नेटिक पोल. हमने कहा ये अर्थ का ज्योग्राफिकल इक्वेटर है
इक्वेटर समझते हैं, क्या बोला इसको हमने, ज्योग्राफिकल इक्वेटर दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस के हिसाब से देखें तो इसका इक्वेटर थोड़ा टिल्टेड आएगा, है ना, वही 11.3 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। अरे मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन सोचे हम, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन सोचे, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ है दैट इज 11.3 डिग्री टिल्टेड फ्रॉम ज्योग्राफिकल एक्सिस, वेयर एनजी एसजी डिनोट्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो साउथ मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ मैग्नेटिक में जाती है। आपको तो क्लियर है कि अंदर एक छुपा हुआ इमेजिनरी मैग्नेट बना के दिखाया कि उसका नॉर्थ यहां उसका साउथ यहां, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल का यहां क्या पॉइंट करेगा, नॉर्थ नीचे, और यहां क्या पॉइंट करेगा, साउथ नीचे। इक्वेटर पे यहां पे आओगे मैग्नेटिक नीडल को लेकर तो ऐसे हो जाएगी सीधे, और यहां पे लाओगे तो भी सीधे एकदम, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे सीधी सीधी थी ना, है ना। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक यहां लिख लिया जाए, तीसरा पॉइंट बनाकर जगह है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर फ्रॉम साउथ मैग्नेटिक पोल टू नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आउटसाइड अर्थ। इनसाइड अर्थ के बारे में कुछ पता नहीं है, किसने देखा, बाहर के दिख रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो उल्टा हो गया। जबकि हम मैग्नेट में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती है, पर यहां क्या है, साउथ से नॉर्थ है, नीचे से निकल के ऊपर जा रहा। रीजन क्या है कि अंदर जो मैग्नेट है एक्चुअल में, जो एक इमेजिनरी मैग्नेट है, उसका साउथ इधर है, उसका नॉर्थ इधर है। जो करंट कैरिंग कॉइल है, जो करंट कैरिंग कॉइल है, जो आयंस अंदर रोटेट कर रहे हैं, वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बन रही है, जिस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है, जबकि मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ जाती है। अब याद रहेगी ये बात, याद कैसे रखोगे, अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट से, अंदर एक चॉकलेट ऐसे रख के रख देना है, अरे खाना नहीं है, जिसका साउथ ऊपर है और नॉर्थ नीचे है, इनका कुछ नाम नहीं है, ये इमेजिनरी डाइपोल, इमेजिनरी डाइपोल, क्लियर है। चलिए नोट कर दीजिए, हो गया, कुछ टर्म्स पे आए, इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आए हम, छापने इसको, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के बगल में, मैग्नेटिक साउथ कहाँ है, ज्योग्राफिक साउथ के बगल में, ठीक है। अंदर जो था वो इमेजिनरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की कहाँ से हैं, मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक यहाँ पे वर्टिकल हो जाती है सरफेस के, देखो ये सरफेस है ना, सरफेस के वर्टिकल, और यहाँ पे सरफेस के वर्टिकल, और इस जगह पे सरफेस के हॉरिजॉन्टल, इस जगह पे सरफेस के हॉरिजॉन्टल, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर पे नीडल हॉरिजॉन्टल होती है। यहां मैंने थोड़ा सा गलती किया, यहां साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से नहीं, फील्ड लाइन कैसे ऐसे सही, ठीक है, नॉर्थ ऊपर साउथ, इसका नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ एकदम सही मिटा रहे। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, फिर कुछ टर्म्स के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। चलिए टर्म्स ही बताएं क्या आपको, चलिए टर्म्स ही देखते हैं, ठीक है, जिनको सवाल देखना हो नोट्स में मैंने एक सवाल डाल रखा है, और थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल का सवाल है, उसका अर्थ से बहुत कोई खास लेना देना नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से, तो आप नोट्स जरूर डाउनलोड करिएगा www.physicswallah.com पे जाके, इसके नोट्स में नीचे लिंक दे दे रहा हूं, उसको डाउनलोड करना, उसमें एक क्वेश्चन है यहां पे, उसको सॉल्व करना, वो मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड है, कि डाइपोल की एनसीईआरटी दे रखा है कि डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको जाके डाउनलोड करके चेक कर लेना। हम आगे पढ़ाते हैं टॉपिक, बहुत टफ नहीं है और अर्थ से उसका कोई खास लेना देना नहीं है। अच्छा, इतनी बातों के बाद हम आते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म पे, अभी तक कोई टर्म नहीं आया था जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, जिसको कई लोग इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। अरे मत परेशान हो, जो न्यूमेरिकल छोड़ा है वो इस टॉपिक का था ही नहीं, वो डाइपोल का था, नोट्स में है, देख लेना। एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन जिसका सिंबल है आई, अब एनसीईआरटी आई लेता है, बाकी कोई लोग इसको डेल भी लिख रहे हैं, कई लोग थीटा भी लिख रहे हैं, एनीवेज
एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो समझाते हैं। अर्थ की जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, अर्थ की जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हमने अभी एक स्पेशल तरह की मैग्नेटिक नीडल लेनी है जिसको हम बोलते हैं डिप नीडल। अ मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, इसको हम बोलते हैं डिप नीडल। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, देखो जो हमारे पास नॉर्मल मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास होता है, वो इस प्लेन में रोटेट करता है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जैसे क्या होता है यार, अब मान लो तुम्हारे पास टेबल है, टेबल पे तुमने ऐसे कंपास रख दिया, ऐसे ही तो रखते हो ना, तो ऐसे कचक 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 कचक, देखा है कभी स्कूल में, किया है है ना। मैग्नेटिक नीडल जैसे डब्बे में होती है ना, जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी की शादी होती है, वापस तो जैसे मैग्नेटिक नीडल आपने मेज पर रख दी, ऐसे कचक 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 करती रहती है ना, कट कट कट, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों रोटेट कर रही है। नहीं, हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अ मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, मतलब ऐसी मैग्नेटिक नीडल चाहिए जो ऐसे ऐसे तो रोटेट करेगी, साथ में ऐसे ऐसे तो रोटेट करेगी हॉरिजॉन्टल में, ऐसे कच 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 टेबल पर रखा ऐसे 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 गोल गोल घूमती है, देखा होगा, वो साथ में वर्टिकल प्लेन में रोटेट करे, इसमें जैसे यहां से पकड़ा ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल में तो जैसे टेबल पर रखते हैं ऐसे किच 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 तो घूमती है ऐसे 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 ऐसे, हमें ऐसे ऐसे घुमाने के साथ ऐसे भी घूमती हुई चाहिए जो वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट करने के लिए फ्री हो, उसको बोलते हैं डिप नीडल। अब हमने क्या किया, उस डिप नीडल को लेके हम अर्थ पे वेरियस प्लेसेस पे गए और हमने देखा कि वो डिप नीडल या मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल लाइन से, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल, एक एक टर्म क्लियर कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा इन सब में, 100% क्लियर होगा, टेंशन मत लो, अर्थ के सरफेस से जो हॉरिजॉन्टल है उससे वो कितना एंगल बना रही है, वर्टिकल प्लेन में फ्री टू रोटेट हमने से छोड़ा है, सेट करके डिप कर गए, एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही, दैट इज एंगल ऑफ डिप, कौन सा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल विद अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के जैसे अर्थ का सरफेस ऐसी तो है ना हमारे सामने, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हमने नीडल यहां पे छोड़ा ऐसे डिप कर गए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन विच इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हमने क्या किया, इस नीडल को लेके हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए, वी टुक दिस डिप नीडल, we took this dip needle and we traveled different places at different places on earth surface। अब देखो हमें क्या interesting चीज़ मिलती है, और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे angle made by needle with horizontal to अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से जो हॉरिजॉन्टल है उससे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस नीडल को लेके हम सबसे पहले मान लो यहाँ पे, दो जगह पे हम दिखाएंगे, फिर एक स्पेशल पॉइंट दिखाएंगे, पहले दो जगह पे आते हैं, यहाँ पे इक्वेटर में मैग्नेटिक इक्वेटर, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, हम यहाँ पे आए, हमने नीडल को रखा, क्या वो नीडल ऐसे अलाइन हो जाएगी नॉर्थ इधर साउथ इधर, इस टाइम क्या हॉरिजॉन्टल ये है और नीडल भी ऐसे है, यानी वो हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइंड है। जरा सोचो ना, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो ऐसे खड़ा है, तुम्हें वो लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, पर उसके हिसाब से तो वो सीधा है। जस्ट इमेजिन यू आर एट दिस प्लेस राइट नाउ, एंड मान लो, सोचो कि ये जो हम खड़े हैं ना, ये हम अपने आप को हमेशा यहाँ सोचते हैं ना, मान लो यहाँ खड़े, अब पूरी दुनिया ऐसे टेढ़ी हो गई और सरफेस भी ऐसा हो गया और नीडल को मैंने ऐसे पकड़ा है, तो जो नीडल है ये सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल ही तो है, यानी बिल्कुल भी डिप नहीं कर रही। अरे भाई, ये इंसान ऐसे लटक के थोड़ी ना खड़ा है, अर्थ गोल है ना, कहीं से ऊपर नीचे थोड़ी ना होता है स्पेस में, ये ऐसे सोचो सरफेस ऐसे करके ऐसे उठा लो, मेरा जो नीचे जमीन है उसको ऐसे उठा लो, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरे हिसाब से तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन है, डिप नहीं कर रही, यानी यहां पे जो एंगल ऑफ डिप है दैट इज जीरो। इसी तरह से मैंने यहां पे आए मैग्नेटिक इक्वेटर के पास पे, मैंने यहाँ पे नीडल रख के देखा,
तो यार नीडल का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और साउथ ऐसे, यही तो है ना भाई मैग्नेटिक नीडल की खास बात क्या है कि उसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन हो जाता है। यहां पे भी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ नीडल कोई एंगल नहीं बना रही, तो इस जगह पे भी एंगल ऑफ डिप इज जीरो। सो हमने देखा दिस एंगल ऑफ डिप आई इज इक्वल टू जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर्स, और अर्थ के इक्वेटर पे भी नियरली जीरो मान सकते हैं, 11.3 डिग्री का फर्क है, नियरली जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर, I इज इक्वल एट मैग्नेटिक इक्वेटर। सेकेंड पॉइंट, अब पोल पे चलते हैं, आप भी समझ गए हो क्या होने वाला है। हम पोल पे आए कौन से, ज्योग्राफिकल पोल पे, नन्ना मैग्नेटिक पोल पे। ये कौन सा था, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये कौन सा था, साउथ मैग्नेटिक। क्या बात है बच्चों, आपको आने लगा। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने नीडल रखा, तो नीडल का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ, साउथ पोल ऊपर की तरफ, और ये रहा हॉरिजॉन्टल। यानी इस बार नीडल देखो यहाँ पे, सोचो यहाँ पे नीडल हमने ऐसे पकड़ी, ऐसे पूरी नीडल ऐसे डिप हो गई, हमने ऐसे नीडल पकड़ी ऐसे पूरी ऐसे डिप हो गई, समझ रहे हो ना। ये हॉरिजॉन्टल मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमने नीडल ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ी ऐसे डिप। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है इस समय, ये नहीं, ऐसे मत समझो, हॉरिजॉन्टल भी ये सरफेस पे हो ना ये। तो नीडल हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बना लिया, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल ये हुआ ना सरफेस का, ये कितना डिप कर गई 90 डिग्री, यानी यहां पे एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। इसी तरह से यहां पे आओगे तो क्या होगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, और यहां पे भी एंगल ऑफ डिप इज नॉट जीरो, इट इज 90। देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो I is equals to 90 degree at poles, कई जगह लिख देता है किताब में, पर लिखना चाहिए at magnetic poles। अब क्या होता है जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होते हैं, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, उसमें सीधा पूछ लेता है कि एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पोल्स पे कितनी होती है, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब ऑप्शन हो स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री तो वो मार देना है ना करेक्ट आंसर, और मैग्नेटिक पोल बोला था तो 90, और मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0। तो ये तो बात हो गई स्पेशल केसेस की, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप है क्या, एंगल ऑफ डिप, एंगल मेड बाय नीडल विद हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है अभी, कंप्लीट डेफिनेशन थोड़ी देर बाद आएगी। एंगल मेड बाय नीडल विद हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल है इससे 90 डिग्री, अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल है इससे 90 डिग्री, ये अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल है इससे 0 डिग्री, अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले आगे बढ़े। मेरी उम्र के नौजवानों, सर आप बुढ़े हो गए हो, नौजवान नहीं हो, बिठा रहे हैं फालतू की बातें नहीं करो, दाढ़ी वाले इंसान पढ़ा हो। चलो ये चीज बन गई, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप इज 0, मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप इज 90। अब देखो एक जनरल पॉइंट पे चलते हैं, जनरल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट टच कट ईच अदर, ठीक है वो गलती से कट गई मेरी है ना, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, डू नॉट कट ईच अदर, वो बात एकदम सही है। चलो मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूं, लेट अस टेक सम जनरल पॉइंट x, ये सब नोट कर लिए बातें, नोट करना, नोट कर लो, मैं हट जा रहा हूं थोड़ी देर में। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल में लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके बिठा रहे ओ, नींद खोई जान खोया। देखो लेट अस टेक सम जनरल पॉइंट एक्स, लेट अस टेक सम जनरल, अब थ्योरेटिकली है ये टॉपिक, हम क्या करें पॉइंट एक्स, तो हम एक ब्रेक नंबर पे करा देंगे, क्लास कराते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक, यहाँ बड़ी अच्छी जगह पे लेंगे आपको मजा आ जाएगा ये, यहाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हमने एक जनरल पॉइंट एक्स लिया। अब हम एक्स पे एंगल ऑफ डिप को समझने की कोशिश करें, तो एक्स पे अगर नीडल रखेंगे तो वो ऐसे पॉइंट है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, और जो हॉरिजॉन्टल है एक्स पे वो ऐसा है कुछ, बोलो क्लियर है। ये रहा पॉइंट एक्स, एक्स पे नीडल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसा है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं एक्स पे कुछ ऐसा बनेगा, किसके हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, और अगर हम देखें नीडल किधर पॉइंट कर रही है तो नीडल कुछ ऐसे पॉइंट कर रही है, ऐसे बनाते हैं किताब में नीडल, ये नॉर्थ, ये नीडल का
इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल टू अर्थ सरफेस एंड एट दिस पॉइंट दिस इज एंगल ऑफ द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस. देख यहां पे ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, इससे कितना नीचे आई और ये वर्टिकल भी बना दिया. नोट करो फिर और बात बताते हैं. अच्छा मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है. इस जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरह ऐसे भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे. यानी ध्यान से, यानी इस जगह पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बीई. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का डायरेक्शन ये है. अरे यार नीडल किधर पॉइंट करेगी प्यारे बच्चों? अगर ये ऐसे रखी है मैंने नीडल हॉरिजॉन्टल सारे से रख के छोड़ दी, डिफरेंट ना घूम लो घूम लो घूम लो कुछ मतलब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गई ना. तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे ही है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे. यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. यानी नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देता है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बोलते हैं, यह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका इस तरफ जो कंपोनेंट आया वो हॉरिजॉन्टल और इस तरफ जो कंपोनेंट आया उसको हमने बोला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एनसीईआरटी इसको एचई, इसको जेडई लिखता है, हमने आसान करके बीएच और बीबी लिख दिया. एंड दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं समझ में आया? नीडल जिधर पॉइंट की उधर ही तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो पॉइंट की यार. हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जाता है उसको बोला बीएच, कुछ वर्टिकल में गया उसको हमने बोला बीबी. किसकी बीबी सर? बीएच बीबी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हाट इज बीई? बीई इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. For any general point x, वो x कहीं भी हो सकता है. Angle of inclination, angle of declination, which is angle of dip, which is also called inclination, can be 0, 90, anything. अच्छा यहाँ से आप क्या ये बोल सकते हो कि BH होगा BE cos I, by इधर component कितना आता है BE cos I. यानी हम बोल सकते हैं this BH horizontal component is BE cos I. By इस तरफ से component कितना होगा cos theta और इस तरफ sin theta. So BB is nothing but BE. अरे भाई अर्थ का इधर कंपोनेंट कितना आने वाला है BE cos I और इस तरफ कितना आएगा BE sin I. उसी BE sin I को आपने वर्टिकल कंपोनेंट बोल दिया, BE cos I को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दिया. इससे इसको डिवाइड कर दो तो tan I की वैल्यू मिल जाएगी. tan I is equals to BB by BH. नोट करें. tan I is BB by BH. सारे टर्म समझ में आ रहे हैं? कहानी समझ में? नोट करो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो गया. फिक्स अप करते हैं इसका सवाल. वो x पॉइंट दुनिया में कहीं भी हो सकता है. जिधर नीडल पॉइंट करती है उधर ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड. मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट लिए, एक अर्थ के सरफेस के अलोंग, एक अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर. इधर आएगा आपका BH और इधर आया BB और ये आपका हो गया BE. ये हो गया एंगल ऑफ डिप. BH is equals to BE cos I. This is very very important. ये अब आगे चीज जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो tan I is equals to BB by BH. ये डायग्राम आपको याद करना है, इसको अच्छे से लर्न कर लो. अब जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि इक्वेटर पे BB कितना है, तो बच्चों इक्वेटर पे BB जीरो हो जाए. इक्वेटर पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, कोई मैग्नेटिक इक्वेटर पे आके पूछे BB की वैल्यू कितनी है, जीरो. भाई ये तो ऐसे हो जाएगा ना इक्वेटर पे, नॉर्थ साउथ. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, जीरो.
I zero हो गया तो साइन I कितना हो जाएगा, साइन zero is zero. यहां कोई पूछ ले आपसे पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, जीरो. भाई पोल पे I की वैल्यू 90 हो जाएगी तो cos 90 जीरो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो. क्लियर, छाप सवाल किया जाए, छाप लिया. दिल लगाना ओ दीवाना ना 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 ना. अभी कुछ टर्म्स और बाकी हैं, डेक्लिनेशन मरीडियन वगैरह सब बताएंगे. और पहले सवाल करते हैं. तो सवाल हमसे कहता है सवाल हमसे कहता है कि पल पल तुमसे आपके दिल ये दीवाना. इन सम मैग्नेटिक मरीडियन, इन मैग्नेटिक मरीडियन, अभी ये क्या है थोड़ी देर बाद बताएंगे, मैग्नेटिक मरीडियन एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस एंड डिप एंगल इज 60 डिग्री. कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. आई होप आपको ये सवाल कर लेना चाहिए चुपकियों में. चलो बताओ, मैग्नेटिक मेरिडियन छोड़ दो, हम बाद में समझाएंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इतनी चीजें सॉल्व करो. इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस एंड डिप एंगल इज 60 डिग्री. कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. किया जाए, कोई जगह है जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.26 cos एंड डिप एंगल इज आल्सो गिवन 60 डिग्री. यही होता है डिप एंगल, इट इज जनरल और बी वर्टिकल इज नॉट गिवन. क्या पूछा है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये पूछा है. बी बी का इधर कितना कंपोनेंट आएगा, व्हाट इज बीएच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बीई cos i नहीं cos 60. अरे आ गया, अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पूछा है, डिप एंगल दे दिया है, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस 60. बी कॉस 60 की वैल्यू दे रखी है, ये कितना है हॉरिजॉन्टल 0.26g इज इक्वल्स टू बीई इनटू कॉस 60 कितना होता है हाफ, ये उतर गया, यानी बीई इज इक्वल्स टू 0.26 इनटू 2 तो 26 का 12 2 का 4 व्हेन 5.52 cos खत्म, डबल 0.52. अब हो सकता था इसमें वर्टिकल कंपोनेंट पूछ के, क्या दिक्कत है, बी मिल गया है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा इसका, साइन 60 रूट 3/2 से, ये तो मिल गया. मान लो आपसे कहता वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी बी इज इक्वल्स टू बी ई साइन 60. नाउ यू नो बी, यू कैन पुट बी एंड साइन 60 इज रूट 3/2, यू कैन पुट एंड गेट द आंसर. क्लियर है, सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. बी एच इज इक्वल्स टू बी ई कॉस आई, बस ये डायग्राम याद रखो, बाकी सारी कहानी खुद से खेल सकते हो. b cos i is b h, b sin i is b v, tan i is equals to b v by b h. आ गया, मिटा रहे हैं. ओके, कुछ और टर्म समझते हैं, लाइक मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, लाइक ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, एंड लाइक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है. तो हेडिंग लगाएं ज्योग्राफिकल मरीडियन, मैग्नेटिक मरीडियन एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. हेडिंग लगाएं ज्योग्राफिकल मरीडियन मैग्नेटिक मरीडियन. दिखाई पड़ रहा है बोर्ड, एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, वो इंक्लिनेशन था या डिप था, डेक्लिनेशन इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी में, बाकी अलग अलग किताबें अलग अलग सिंबल ले सकती हैं, आप समझदार. ज्योग्राफिकल मरीडियन, मैग्नेटिक मरीडियन एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब हो तो माफ करना, मेरी अंग्रेजी यूके की है. अब देखो ये क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ज्योग्राफिकल मरीडियन, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं ज्योग्राफिकल मरीडियन. At any place, at any point, the plane joining geographical
with that point. फिर से at any point on earth surface, at any point on earth's surface, ये सब समझ लोगे तब angle of dip की definition लिख पाओगे. At any point on earth's surface, the plane passing through geographical poles, yani geographical north and south poles, and that point is called geographical meridian. What is geographical meridian? Any point on earth's surface, earth ke surface pe kahin pe bhi, अर्थ के सरफेस पे, पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे, ज्योग्राफिकल पोल्स पे, इक्वेटर पे, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस, द प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन. पहले लिख लो, फिर समझाते हैं. मैग्नेटिक मेरिडियन, अभी सिर्फ लिख लो, समझा रहे हैं. मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ surface, the plane passing through magnetic poles, magnetic south, magnetic north, and that point, earth ke surface pe kahin pe bhi ek plane which is passing through magnetic poles, एंड जिस पॉइंट की बात की है वहां से पास. देखो, प्लेन डेफिनेट होने के लिए तीन पॉइंट्स तो रिक्वायर्ड ही है जो कि कोलिनियर ना हो. और समझते हैं विधि विधि में. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन छाप लो, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा. क्रिस्टल क्लियर. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, वो इंक्लिनेशन था, ये डेक्लिनेशन. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन डी एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, the angle between geographical meridian, meridian ya meridian, and magnetic meridian, अर्थ के सरफेस पे किसी भी जगह पे जहां की बात हो रही है, हर जगह एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग अलग होता है, हर जगह मैग्नेटिक मेरिडियन अलग अलग होता है. एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है ऑन अर्थ सरफेस, सब जगह अलग अलग. द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, ये एक प्लेन है, द प्लेन, इट इज अ प्लेन, और ये भी एक प्लेन है. इन दो प्लेन के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं. अभी बना के इसको समझते हैं, नोट कर लें, पहले नोट कर लें फिर बना के समझाते हैं. अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह अलग अलग एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अलग अलग मैग्नेटिक मेरिडियन, अलग अलग ज्योग्राफिकल मेरिडियन. समझा जाए बना के? छाप लिया है, पॉज करके छाप लें. ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? किसी भी पॉइंट पे एक प्लेन बनाओ, ऐसे ये अर्थ है, किसी भी पॉइंट पे एक प्लेन, जैसे मान लो यहां पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे एक प्लेन बनाओ जो इस पॉइंट को भी कंटेन करे और अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को भी कंटेन करे, है ना, ऐसा कोई प्लेन. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? किसी भी पॉइंट पे, इसी पॉइंट की बात, एक प्लेन बनाओ जो इस पॉइंट को भी कंटेन करे और अर्थ के साउथ मैग्नेटिक, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स को भी कंटेन करे, ऐसा पॉइंट है. ये क्या है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ये जो दो प्लेन बने हैं इनके बीच का जो एंगल है, जो दो प्लेन आपने बना दिए इनके बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. और भी बना के समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में है, चल देखते हैं. चलते हैं, हम वही अपना पुराना डायग्राम फिर से बना लेते हैं. ये अर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की, लेट अस टेक द सेम पॉइंट एक्स, उसी पॉइंट एक्स को फिर से. नाउ दीज आर मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ
मैग्नेटिक, साउथ मैग्नेटिक, एंड दीज आर ज्योग्राफिकल पोल्स, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस। ठीक बना है, 11.3 डिग्री पे। दिस इज नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, दिस इज साउथ ज्योग्राफिकल पोल, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, दिस इज साउथ मैग्नेटिक। नाउ लेट अस टेक दिस पॉइंट एक्स अगेन, लेट अस टेक जनरल पॉइंट एक्स। अब एक्स पे हमको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाना है, मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को समझना है। तो एक्स से आपको एक प्लेन बनाना है विच शुड पास थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो एक्स से एक प्लेन बनाते हैं, मान लो ये एक्स है और एक प्लेन बनाना है एक्स से भी पास। देखो समझ रहे हो, प्लेन समझते हो आप, ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं, समझ लो। एक प्लेन बनाओ जो इन दो को भी काटे और एक्स को भी कंटेन करे, ऐसे ऐसे 3D की कहानी है। देखो ये अर्थ का सरफेस, यहां पॉइंट है और ये पोल्स, ये पोल्स, ये अर्थ का सरफेस गोल, यहां पॉइंट और ये पोल्स। ये एक प्लेन जो इन तीनों पॉइंट को कंटेन करे, ये मान लो ऐसा, इट कंटेन्स ऑल थ्री पॉइंट्स। जरूरी नहीं कि एक्स पे एज हो, इसके अंदर कहीं हो सकता है। एक प्लेन हो, 3D में इमेजिन करो, ऐसे काटता होगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, सॉरी किसको काटा है, मैग्नेट, मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां मैग्नेटिक नॉर्थ, यहां मैग्नेटिक साउथ। देखो ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जरूरी नहीं कि एज पे हो, सकता हूं अंदर कहीं हो, अंदर भी हो सकता। अच्छा अब एक प्लेन बनाना है जो एक्स को भी कंटेन करे और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को ले, ऐसे देखो एक प्लेन कट रहा है, ये इसके पीछे जा रहा होगा ना, जैसे ये वाला देखो ऐसे आगे की तरफ दिख रहा है थोड़ा सा, और ये प्लेन थोड़ा पीछे से, एक प्लेन बनाते हैं पीछे। ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ये कौन सा प्लेन हो गया आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये कहीं पे भी बन सकता है बच्चों, 3D है इसको बहुत ज्यादा इमेजिन कराना मुश्किल है। आप ये समझो एक प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट्स को काटे, मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ को और एक्स को काटे, मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक प्लेन जो इन दो पॉइंट्स को काटता हुआ एक्स को कंटेन करेंगे, ऐसे जाएगा ऐसे, और एक्स पॉइंट कहीं भी हो सकता है, डेफिनेटली यहां पे भी बन सकता है, हर जगह अलग अलग तरह का प्लेन बनेगा और हर जगह इन दोनों प्लेन के बीच का इंक्लिनेशन अलग अलग होगा। एक्चुअल में ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। लेट मी टेक वन बुक एंड अनदर बुक आल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो हम दो एनसीईआरटी किताब ले रहे हैं, फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमें सॉल्व करनी है। एक प्लेन देखो ये बना और दूसरा प्लेन, एक प्लेन देखो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक ये ऐसे अंदर जाता हुआ, इन दो को भी लिया और एक्स को भी, ये ऐसे, ठीक है, ये इसको चलो फिक्स कर लिया ऐसे करके, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हां ज्योग्राफिकल पोल्स को भी क्रॉस किया और एक्स को भी ऐसे, और एक मैग्नेटिक मेरिडियन इन दोनों क्रॉस करे और एक्स को ऐसे। ये दो प्लेन मैंने तो बस ऐसे बना दिया, एक्चुअल में तो ऐसे पीछे भी, इनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये जो इसको हम बोलते हैं डी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, बच्चों क्या ये एक्चुअल नॉर्थ है या ये एक्चुअल नॉर्थ है? जब आप सेल कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, कोई समुद्र में सेल कर रहा है, तो वो अर्थ के किस पोल को नॉर्थ समझता है, मैग्नेटिक को कि ज्योग्राफिक को? चाहता तो ज्योग्राफिक ही है, बट जो उसकी नीडल होती है वो किस तरफ पॉइंट कर रही होगी? भाई नीडल तो पॉइंट करेगी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, है कि नहीं? नीडल तो बनी है मैग्नेट के हिसाब से, तो ना जब हम लोग सेल कर रहे हैं या कोई अपना सेलर सेल कर रहा है तो उसकी नीडल मैग्नेटिक नीडल, अगर आपकी एकदम मैकेनिकल वाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, एकदम एकदम बेसिक नीडल है, तो वो पॉइंट कर रही होगी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ।
अब कोई सेल करने निकला कि भाई हम चल रहे हैं, हमें अर्थ के नॉर्थ पोल पे पहुंचना है, तो वो पहुंच कहां जाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। नीडल को लेके फॉलो कर रहा है, उसने कहा नीडल किधर पॉइंट करती है? नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। देखो यहाँ नीडल लगाएंगे तो नॉर्थ इधर साउथ इधर, यहाँ लगाएंगे तो नॉर्थ इधर साउथ इधर, यहाँ लगाएंगे तो नॉर्थ इधर साउथ इधर। नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो किधर पॉइंट करता है? हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। पर कौन से नॉर्थ की तरफ? मैग्नेटिक नॉर्थ। अब बंदा तो सोचा हम पहुंच रहे हैं अर्थ के नॉर्थ पोल पे, और पहुंच जाएगा कहां? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ कनाडा। बात समझ में आई? तो इसीलिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब बंदे ने देखा एंगल, यहां से देखा उसने कि यहां जाना है, तो वो समझ गया यार ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, तो मैं यहां से डी एंगल खिसक के अगर चलूं, अगर मैं इससे डी एंगल खिसक कर चलूं तो मैं पहुंचूंगा इस तरफ, विच इज नोन एज ट्रू नॉर्थ। सो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलर्स, जिनको नीडल तो दिखाएगी हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ। नीडल तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से मतलब ही नहीं, तुमने मैग्नेटिक नीडल लिया नॉर्थ में पॉइंट की, वी से देखते हैं बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बट इट पॉइंट्स इन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी हमारा सारा डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल से गलत हो सकता था अगर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नहीं पता होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी ने देखा कि नीडल पॉइंट कर रही नॉर्थ की तरफ, उसने कहा हाँ ठीक है, यानी ये एक्चुअल नॉर्थ तो नहीं है, ये तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पे पॉइंट कर रहा होगा, इससे मुझे डी एंगल और शिफ्ट होना होगा। अब आप बोलोगे डी एंगल किधर शिफ्ट करें, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चीजें चार्ट में लिखी होती है कि आप अर्थ में किस जगह पे हो, इस तरफ हो इस तरफ हो, आप अर्थ के किस पार्ट में ट्रेवल कर रहे हो, वो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, वो सब चार्ट में लिखा होता है कि इस जगह पे एंगल, अगर कोई बंदा कोई खड़ा है तो उसको पता है कि इस टाइम जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो मेरे राइट में पड़ेगा, वो मेरे राइट में पड़ेगा, और किसी को पता है जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन इस टाइम मेरे वो लेफ्ट में। अरे भाई यही सोचो, यही बंदा कोई इधर से ऊपर जा रहा होता उल्टा डायरेक्शन, तो उसके लिए कहानी अलग हो जाती है, उसके लिए मैग्नेटिक मेरिडियन राइट में, ज्योग्राफिकल मेरिडियन लेफ्ट में, और कोई उधर से इधर आ रहा हो तो उसके लिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन राइट में, मैग्नेटिक लेफ्ट में, तो वो चार्ट में प्रिपेयर होता है। बट हाँ, मैग्नेटिक नीडल जिधर पॉइंट की, मैग्नेटिक नीडल इस तरफ पॉइंट करना चाहिए, इस प्लेन में कहीं मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करना चाहिए, तो हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, डेक्लिनेशन एंगल्स में शिफ्ट। So these are the two planes, magnetic meridian and geographical meridian. अभी जरूरी नहीं कि यहाँ एकदम ऊपर हो, यहाँ भी हो सकता है नॉर्थ पोल, यहाँ भी हो सकता है, इस प्लेन में कहीं होगा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, बट ट्रू नॉर्थ इज एट एंगल डी विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। भारत जैसे देश के लिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बहुत कम आता है, 0.5 डिग्री के आसपास है, है ना? हम लोग जहाँ हम लोग की जो नीडल है भारत की, हम लोग की नीडल जो नॉर्थ में पॉइंट करती है वही मैग्नेटिक नॉर्थ है, वही हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हम लोग में नहीं होता। अलग अलग जगह पे एंगल अलग अलग हो जाएगा प्लेन्स के बीच में, एट डिफरेंट प्लेसेस द वैल्यू ऑफ डी इज डिफरेंट। पोल्स पे आपकी डी की वैल्यू लार्ज होती है, इक्वेटर पे डी की वैल्यू स्मॉल होती है, वी आर वेरी नियर टू इक्वेटर। क्लियर है? चलो बेटा अब एक बात और समझो, अब एंगल ऑफ डी बताते हैं। अब एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक नीडल है किसी भी जगह में, वो किस प्लेन में रहना चाहेगी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में कि मैग्नेटिक मेरिडियन? एक मैग्नेटिक नीडल है मैंने यहां छोड़ी, वो किस प्लेन में रहना चाहिए, प्लेन में, किस प्लेन में? क्या वो इसमें पॉइंट करेगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन में कि मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन। अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन सुनो, एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन बची थी, एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाई अ मैग्नेटिक या अ डिप नीडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन विथ द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन।
जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस प्लेन में रहना चाहेगी? डेफिनेटली मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेट्स के अलोंग पॉइंट करेगी, ज्योग्राफिकल पोल्स के अलोंग नहीं पॉइंट करेगी, तो उसी प्लेन में भागेगी, इस प्लेन में। और उस प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे एंगल ऑफ टिप। लेट मी ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू। वही पॉइंट एक्स ले लेते हैं, ये बन गया, ये हो गया मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस और ये हो गई मैग्नेटिक नीडल। किसमें पॉइंट की? मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाई उसको बोला एंगल ऑफ टिप। अब आप बोलोगे सर जी मैग्नेटिक नीडल इधर क्यों नहीं पॉइंट कर रही? अरे यार जरूरी थोड़ी ना कि नॉर्थ पोल यहीं पे हो सकता है, इस प्लेन में नॉर्थ पोल यहां पे, नॉर्थ पोल यहां पे है, कहीं भी हो सकता है। इस जगह पे देखो अगर नीडल रखोगे तो ऐसे डिप करेगी कि नहीं हॉरिजॉन्टल से? यहां पे आपने नीडल रखी एक्स पे तो ऐसे डिप करेगी। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हमने कहा हॉरिजॉन्टल और ये इतना डिप की इसको हमने बोला एंगल ऑफ टिप। क्लियर? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सो मैग्नेटिक नीडल किसमें लाई करती है? ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ टिप इज द एंगल मेड बाय अ मैग्नेटिक नीडल और अ डिप नीडल जो वर्टिकल प्लेन में फ्री है रोटेट करने। इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है क्या? एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय डिप नीडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, किस प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में विद द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। बाकी बातें आपको सब पता ही है, यहां पे बी वर्टिकल आ जाएगा, यहां पे बी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, यहां पे बी ई आ जाएगा नीडल के अलोंग। बस और क्या है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन। क्लियर? एक टॉपिक आपको और बचता है वो बता दें, आपको नोट कर लेने से छाप लिया। ओके, एक लास्ट टॉपिक आपका विच इज जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये क्या चीज होती है? ये वो एलिमेंट हैं जिनके पता लगने पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी जगह पे बता सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज। दीज आर दोज एलिमेंट जिनको जानने के बाद आप किसी भी प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में बता सकते हो। बाय नोइंग दीज थ्री एलिमेंट्स, तीन ही होती हैं, वी कैन डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अर्थ के सरफेस पे आपसे कहता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको अगर तीन चीजें मिल जाएं तो आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। वो तीन चीजें क्या हैं? ध्यान से सुने, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, कोई आपको बता दे एंगल ऑफ डिप, इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, कोई आपको बता दे, एंड लास्ट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बी एच को आपको बता दे, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको एच ई लिया है हमने, बी एच। ये तीन चीजें पता चलते ही आप कहीं पे भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन से आप ये श्योर हो जाओगे
कि आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन से कितना टिल्ट होना है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मिलते ही आप समझ जाओगे जो एक्चुअल नॉर्थ है उससे कितना टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल नॉर्थ से कितना टिल्टेड है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों की हेल्प से आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, BE cos y is equals to BH. आपको कोई BH बता दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको किसी ने I की वैल्यू बता दी एंगल ऑफ डिप, अब आप BE की वैल्यू निकाल सकते हो. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इन तीनों की मदद से आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहीं पे भी निकाल सकते हो. कैसे? डेक्लिनेशन से आपको यह चीज श्योर हुई कि वो ट्रू नॉर्थ से कितने एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, इंक्लिनेशन से आपको श्योर हुआ कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड. इंक्लिनेशन से ही तो पता चलेगा कि अर्थ के सरफेस से कितनी इंक्लाइंड है इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड, और I और BH की नॉलेज से आप BE डिटरमाइन कर लोगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कितनी है. तो D और I आपको मदद करेंगे डायरेक्शन निकालने में कि ट्रू नॉर्थ से किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, I से पता चलेगा हॉरिजॉन्टल से किधर है मैग्नेटिक फील्ड, और I और BH की वैल्यू से यू कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. दीज थ्री आर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. तो यहीं पे ये टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म होता है समाप्त. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.